बैक टू माई चलोवन स्किन। तो फाइनली जिस रिजल्ट का इंतजार था वो रिजल्ट आ गया है। हम अभी ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कल की डेट में एक नोटिफिकेशन यहाँ पर आप देख सकते हैं जारी हुआ है कि वुमेन वेलफेयर डिपार्टमेंट सुपरिटेंडेंट स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन 2022। तो चलिए इसकी कट ऑफ मार्क्स और सारी चीज़ें डिटेल में देख लेते हैं। तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो गाइज ये देख सकते हैं पूरी लिस्ट है यहाँ पर वुमेन वेलफेयर डिपार्टमेंट सुपरिटेंडेंट एग्जामिनेशन। सबसे पहले हम यहाँ पर देख सकते हैं आप चार चीज़ें हैं, एग्जाम रिजल्ट, कट ऑफ मार्क्स ऑफ कैंडिडेट और रिवाइज आंसर की, यानी कि रिवाइज आंसर के लिए 15 डेज़ का जो है आपको टाइम दिया जाता है प्रत्यावेदन के लिए अगर आपको कोई दिक्कत हो। तो सबसे पहले देख लेते हैं रिजल्ट के बारे में, इसको डाउनलोड होने देते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं और ये डाउनलोड हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, लीजिए ये डाउनलोड हो गया है। आप देख सकते हैं लोक सेवा आयोग उत्तराखंड हरिद्वार की ओर से, तो उत्तराखंड लोक सेवा हरिद्वार की ओर से यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रिजल्ट जारी हुआ है कि 23 जून 2022 को एग्ज़ाम जो है आयोजित हुआ था, जहाँ पर महिला कल्याण विभाग के अंतर्गत अधिशिक्षा पद तो स्क्रीनिंग हुई थी। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग शायद इस पर एक ही पोस्ट अवेलेबल थी फीमेल की। ठीक है, यहाँ पर निम्नलिखित अनुक्रमांक अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के परीक्षा के लिए यहाँ पर जो है बुलावा भेजा जाएगा और सफल घोषित हुआ है। यहाँ पर आप देखते हैं 4 कैंडिडेट हैं, आई थिंक 1 2 3 4 5 कैंडिडेट हैं और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग एक ही यहाँ पर जो है टोटल पोस्ट यहाँ पर दी है। तो यहाँ पर आप देखते हैं सारी, और जो इंटरव्यू होगा वो होगा आपका 29th of July 2022 को यहाँ पर जो है होगा इंटरव्यू। अब चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर क्या इसकी जो है कट ऑफ मार्क्स रही। तो देख लेते हैं ये डाउनलोड हो रही है, इसको डाउनलोड होने देते हैं। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं जो कट ऑफ गई है यहाँ पर आप देख सकते हैं अन्य पिछड़ा वर्ग फीमेल की 34 यहाँ पर आप देख सकते हैं कट ऑफ गई है। तो ये ऊपर से आप देख सकते हैं पूरी डिटेल है। महिला कल्याण के अंतर्गत अधीक्षा दिनांक 13 जुलाई 2022 को घोषित स्क्रीनिंग परीक्षा परिणाम के आधार पर साक्षात्कार है। तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं पूरी यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर अन्य पिछड़ा वर्ग उत्तराखंड महिला की जो पोस्ट है उसके लिए जो कट ऑफ गई है वो 34 यहाँ पर मार्क्स गई हुई। चलिए अब बात कर लेते हैं मार्क्स की, यानी कि किस कैंडिडेट ने कितने यहाँ पर जो है मार्क्स पाए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑलमोस्टली इफ आई एम नॉट रॉन्ग 14 कैंडिडेट्स ने यहाँ पर अप्लाई किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2000 यहाँ पर जो रोल नंबर 1 है, आप देख सकते हैं 25 राइट 63 रॉन्ग 12 ब्लैंक ड्रॉप्ड 1, तो मार्क्स इनके 18 है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 34 इसकी कट ऑफ है। तो आप देख सकते हैं 35 यहाँ पर इन्होंने सीरियल नंबर 5 ने पाए हैं और इसके अलावा 34 है 2001 सीरियल नंबर 7 ने, सीरियल नंबर 8 ने 37 और इसी तरह से आप देख सकते हैं 74 यहाँ पर आप देख सकते हैं सीरियल नंबर जो है 12 ने यहाँ पर पाए हैं 36। तो इसीलिए आप देख सकते हैं जो मिनिमम कट ऑफ है वो 34 गई है। तो इसीलिए जो है 5 कैंडिडेट्स को ही यहाँ पर जो है इंटरव्यू के लिए यहाँ पर बुलाया गया है। उसके अलावा आप देख सकते हैं रिवाइज्ड आंसर की भी यहाँ पर जो है आयोग ने जारी कर दी है। तो रिवाइज्ड आंसर की अगर आपको कोई डाउट है तो 15 डेज के अंदर, जी हाँ फ्रेंड आप देख सकते हैं ये वुमेन वेलफेयर डिपार्टमेंट आंसर की है, तो 15 डेज के अंदर जो यहाँ पर आप प्रत्यावेदन कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये रही सारी डिटेल। जितने भी कैंडिडेट स्क्रीनिंग के लिए सफल हुए हैं सभी को हमारी ओर से शुभकामनाएं। लेकिन इससे पहले चैनल पर नए हैं तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।